सुशील जी, आप रहे हैं कांग्रेस में लंबे समय तक। कांग्रेस बहुत बुरे हाल में गुजर रही है, उसके नेता को लगभग गिरफ्तार करने ठकाने की रणनीति बना रही है ईडी। कांग्रेस परेशान है, क्या लग रहा है आपको इन हालातों तक कांग्रेस क्यों पहुंच गई और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या वास्तव में राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की कोई योजना होगी उसके पास? संजय भैया, राहुल जी का ये बयान कि मोदी ने बीजेपी ने देश में क्रोसिन छिड़क दिया है, तेज कर दिया है, ये बयान बहुत भारी पड़ गया। विदेश में थे शायद जब उन्होंने डायलॉग या बयान या अपनी बात रखी थी। खैर, संजय भैया, मैंने आपके प्रतिष्ठित 4 PM के चैनल पर कई बार ये बात कही, आज आप राहुल गांधी कह रहे हैं। अगर कांग्रेस ने थोड़ा समझदारी कर ली होती तो आप ये कह रहे होते कि पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को ईडी ने बुलाया, तो बड़ा फर्क पड़ता है राहुल गांधी को बुलाया या पूर्व प्रधानमंत्री को बुलाया या कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया, बड़ा फर्क पड़ता है सब बातों का। और तो कल तो कल हमारी राजमाता कांग्रेस की, कल उनकी भी तो पेशी है 23 को, कल वो हालांकि बीमार है, उनसे वो तो मैं उनके प्रति हृदय सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी डिसीजन हो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब राजनीति की संवेदना यहाँ, अच्छा फिर संवेदना वाली बात ही नहीं आती, जब देख रहे हैं कि आज का निजाम कैसा है, 16 तारीख से लंका कांड शुरू हुआ था, आज 22 तारीख हो रही है, और आप कह रहे 50 घंटे, 50 घंटे ये मामूली मजाक नहीं है। देश की उस सत्ता के, उस विरासत से जिसके लिए कहा जाता है आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उनके 3 परिवार के 3 लोग, दादा, बाबा, दादी, नाना, ये प्रधानमंत्री हुए हैं उस परिवार के लोग, और देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी का जो आज की तारीख में विरासत है, उसको ईडी ऐसे बुला ले रही है? ईडी उसको तो नहीं बुला रही है जो एकनाथ शिंदे को आसाम और गोवा, गुजरात और चार्टर्ड प्लान से सूरत, वो कौन फाइनेंस कर रहा है? ईडी उसको क्यों नहीं बुला रही ईडी? अच्छा, फिर राहुल गांधी को 50 करोड़ के लिए 50 घंटे बुला चुकी है, ये गिरफ्तार नहीं करेंगे संजय भैया, ये कल मैडम को बुलाएंगे, नहीं परसों बुलाएंगे, नर्सों बुलाएंगे, जब मैडम को भी बुला लेंगे, माता को, बेटे को, सबको बुला के जब ये चैन से चूहा बिल्ली खेल खेल लेंगे, और सारे देश में, और मैं आपसे बता रहा हूँ संजय भैया, प्रमोद तिवारी, वो हमारे बघेल साहब और गहलोत जी, 1-2 लोगों को और छोड़ दीजिए, वो हमारे हरीश रावत जी भी आ गए थे घूमते घामते, वरना इस मूवमेंट में कहीं पूरे देश में, पूरे देश में कांग्रेस ने कोई ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि जो लगे कि छूने से हिचके आदमी, छूने से डरे, सत्याग्रह करेंगे, राम नाम करेंगे, राम धुन गाएंगे। अरे इस समय सत्ता राम धुन देखो कि आपका आदमी आपके उसको चूर्ण बना दिया राहुल गांधी। इतने बड़े देश के नेता को जब चाहते तब बुला लेते, बिठाते हैं, पता नहीं चाय पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं, बंद मक्खन खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। इंदिरा जी को एक बार छू लिया था विपक्ष ने, पूरे देश में दोबारा लौट के आ गई थी। क्या दावा से कोई कह सकता है? इस पर पैनल पे बैठे हमारे मित्र सुशील जी कह सकती है कि 22 में 23 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 50 घंटे की प्रताड़ना शब्द बोल रहा हूँ, ये जांच नहीं है, ये जांच नहीं है संजय भैया, ये प्रताड़ना है, राजनीतिक प्रताड़ना है, ये एजेंसी की प्रताड़ना, वरना इससे बड़े बड़े, मैं तो बात ही नहीं करता इस बात की, कितने 1,00,000 करोड़ के लोग बाहर घूम रहे हैं, मैं तो खाली अभी आज की घटना की बात कर रहा हूँ कि एक नाथ शिंदे को फाइनेंस कौन कर रहा है, कौन वो चार्टर जहाज, उसकी तो अभी कहीं किसी ने बिल पेमेंट किया होगा, तेल जहाज में हमने किसी ने तो तेल डलवाया होगा, कोई तो सरकारी सुरक्षा में पेमेंट हो रहे हैं, सरकारी व्यवस्था में आना जाना हो रहा है, और गोवा कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं। तो राहुल गांधी के साथ, अरे भाई पूछो, बात करो, समझो, अगर इतना ही शौक है राहुल गांधी को बुलाने का तो उनके घर में एक ईडी का दफ्तर खोल दीजिए, उनका जो बगला है उसमें तो कई कमरे हैं, उसमें एक ईडी दफ्तर परमानेंट बना दीजिए, ना उनका तेल खर्च हो, ना आपको वो हो, आप भी आराम से रात को सोइए। सुशील जी, ईडी ने कहा था राहुल गांधी से कि नेशनल हेराल्ड की जमीन में खेल कर दो, हेराफेरी कर दो, ईडी ने कहा था? ईडी ने तो उनसे ये भी नहीं कहा था कि वो उसको जोकर को पंजाब में ले आओ, वो क्या नाम था उसका जो आजकल तिहाड़ में, पता नहीं कहा, ईडी ने ये भी नहीं कहा था। तो ईडी ने तो ये भी नहीं कहा था कि भैया उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने से अध्यक्ष न बनाओ, ईडी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल से उत्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष न घोषित करो, ईडी सब कहां कह रही है?
ये तो हम खुद ही ईडी। अच्छा और सुनो संजय भैया, कांग्रेस में भी तो ईडी है, ये ईडी तो असली वाली है जो बुला रही राहुल को। कांग्रेस 24 अक्टूबर रोड में कई ईडिया बैठी हुई रोज समझाती है कि राहुल जी आप ये हम ईडी है। वो 23 23 जो वो कौन 23 है ग्रुप 23 G23 क्या गैंग 23 वो भी तो ईडी समझो। वो कौन सा बड़ा भारी संत महंत लोग है। सुशील जी, केपी मरी जी तो बिल्कुल राहुल गांधी को क्लीन चिट सी दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्लीन चिट ट्रैक है वो? नेशनल हेराल्ड में कुछ हुआ नहीं हुआ? आप तो सुशील जी भैया आपके टाइम में भी नेशनल हेराल्ड वाला मामला तो उठा था ना, आप उस समय में पत्रकार नहीं थे, आप कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और केंद्र के बहुत बड़े मंत्री के सबसे करीबी हुआ करते थे, जिस मंत्री का सबसे जलजला है। नेशनल हेराल्ड की जमीन में क्या क्या हुआ था, कुछ थोड़ा ये खुलासा भी कर दीजिए। माइक एडमिट कर लीजिए सुशील जी। मैं उस समय नहीं, उस समय चूंकि दोनों लोग स्वर्गीय हो गए हैं, वरना मैं नाम लिख के बताता, और तीनों लोग स्वर्गीय उससे संबंधित तीनों लोग स्वर्गीय हो गए। मैं शहर अध्यक्ष था उस समय, और जो दिल्ली के किसी पीएम के सलाहकार थे वो उस समय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और उनके सलाहकार और उनके एक और सलाहकार की निगाह जो नेहरू भवन के ये जो ये था जो नवजीवन का दफ्तर, बड़ी कीमती जगह है वो, आज वहां पर कॉम्प्लेक्स बन गया, आई हॉस्पिटल बन गया, तो वो बहुत कुछ था। लेकिन तीनों लोग चूंकि स्वर्गीय हो चुके इसलिए मैं, वरना मैं सारा नाम लेके बताता, आप समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैं भी गया था, तमाम चीजें मुझे उसके बारे में सब फैक्ट मालूम है। ये लाइट मंत्री मैं इन्वॉल्व था, ये आपका बयान हो जाएगा, ये भी कर आपको बुलाएं। इन्वॉल्व ये था कि उस टाइम, अच्छा हम तो भाई जब राहुल जी तक ईडी पहुंच रही है तो आपकी कृपा से मेरे पास भी हमारा भी नाम हो जाएगा, थोड़ा बहुत चर्चा मेरे ऊपर भी जाएगी, तो आपकी कृपा जो हमें आप डाल लेते हैं। खैर मैं दूसरी बात कह रहा था संजय भैया, एक सीबीआई गई थी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से पूछताछ करने, पकड़ के बांध के बैठा लिया था, उसके बाद दोबारा तो सीबीआई गई नहीं वहां पर पूछताछ करने। गलती से सीबीआई या कुछ पूछताछ एजेंसी गई थी महाराष्ट्र में पवार साहब से पूछताछ करने, मराठा स्वाभिमान जाग गया था, दोबारा से उधर से लौट के कोई गया नहीं। हमारे आदरणीय बादल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, आप बताइए 50 घंटे की पूछताछ के बाद राजकुमार की 50 घंटे पूछताछ हो गई, मेरी मेरी संवेदनाएं, मैं देश में सोनिया जी से ज्यादा इज्जत किसी की नहीं करता, त्यागमयी महिला है वो, लेकिन जो चीजें हैं वो कहनी पड़ेंगी, वो आप ऐसे प्रतिष्ठित कर रहे तो कहनी पड़ेंगी। क्या ये बताइए उत्तर, अच्छा सरकार आपकी देश में नहीं है तो क्या सब कुछ सरकार से ही होता है? क्या गुलाम नबी आजाद ने 50 साल मलाई खाने के बाद सीधा फाड़ा? क्या वो आए बयान दिया रोते हुए भी गलत हो रहा है? क्या कपिल सिब्बल आज चले गए दूसरी पार्टी से वो समर्थन में, लेकिन पार्टी में तो कुछ भी नहीं है? क्या कपिल सिब्बल ने एक बयान जारी किया तो लाइन कहीं गलत हो रहा है? क्या ममता बनर्जी ने, क्या नीतीश, क्या शरद पवार ने, क्या जो एलायंस से इनके देश भर के, क्या किसी एक ने बयान दिया अभी तक? जो जो लोग थके वो अभी शरद पवार ने अध्यक्षता में यशवंत सिन्हा का चयन हुआ, क्या ये तो जी आप क्या चाहते हैं वो लोगों को भी इधर ही ले आए क्या, उनके यहाँ ईडी भेजना चाहते हैं क्या? मैं ये चाहता हूँ आप चाहते हैं कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और बाकी लोग यहाँ भी पहुंच जाए ईडी, ये चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। सतीश भैया मलिक साहब मैं बता रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ बंद हुआ, क्या राजस्थान बंद हुआ? वहां तो इनके मुख्यमंत्री है, जहां इनकी सत्ता है वहां पर ताले लगे क्या? आह्वान बंद का हुआ क्या? जब सोनिया जी पूछताछ पे जाएंगी और जब वो जेल जाएंगी तभी सब कुछ बंद होगा, आह्वान होगा? आखिर देश में एक आह्वान भी तो होता है, देश में 20-25 दो चार 5,000 लोग आ गए, तंबू लगाया, जयराम मजीरा रामधुन गाने लगे, गांधी और रामधुन ने तो फिलहाल, और गांधी रामधुन का जो हाल हो रहा है देख ही रहे हैं आप सब लोग। और मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ संजय भैया, आपके चैनल पर मेरी आवाज दूर तक जाएगी, पहले तो पप्पू बना दिया मोदी एंड पार्टी ने, बुरी तरीके से पप्पू बना दिया, 5 साल बादल भैया समझ रहे हैं 5 साल पप्पू वही निकल गए। पप्पू से हटते हटते जब राहुल जी को अच्छे डायलॉग देने लगे, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए, उन्होंने बेवजह अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया, वो भी कितने बड़ा विनोबा भावे बन रहे थे समझ नहीं आया मुझको, कितना बड़ा उनको लोगों ने समझा दिया। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते आ रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री की स्थिति अभी वो किसी लेवल पे आ ही नहीं पा रहे, तब तक ईडी ने उनको 5-8 घंटे बैठा दिया। अब उनके ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया, अब कल को अगर सोनी जाती है, कल नहीं जाएंगी परसों जाएंगी, या तो राहुल जी बड़ी राय है वहीं एक तंबू गाड़ के बैठ जाएं कि जब तक इसको फाइनल ना कर दो ईडी वालों मोदी जी से बात करके, तब तक मैं तंबू लिए ही बैठ रहा हूँ, यहीं पर दाल रोटी चावल खाऊंगा,
यहीं पर बिस्लरी का पानी नहीं, नल का पानी पीऊंगा, और उनके दो चार जो गैंग वाले हैं वो वहीं बैठे रहे। अब इस उम्र में गहलोत जी बेचारे सड़क पे दौड़ रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन दौड़ तो रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम को दरोगा रोके ले रहा है, एक सीएम हरीश रावत को कांस्टेबल पकड़ ले रहा गर्दन से। अरे ये क्या कब एक देशव्यापी आह्वान हो चाहिए आपके होने वाले कल के आज के राजकुमार, कल के प्रधानमंत्री के बारे में कहीं। अच्छा दूसरी बात, जो देश के पॉलिटिकल बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़ा बड़ा ज्ञान देखते तमाम तमाम बातों पर, उसमें से किसी केजरीवाल ने कुछ बोला, किसी और ने कुछ बोला? अरे भाई इतना ही कह दो कि भैया ना करो विरोध मोदी का और ईडी का, इतना कह दो कि भैया हो गया छोड़ दो, या बंद कर दो या छोड़ दो। और मलिक साहब माहौल बड़ा अजीब सा है, राहुल जी बंद कर, अगर मान लो कब से चले भी जाते हैं तो वो जो अभी अभी हमारे आदरणीय बदल साहब बता रहे थे वो वाला बाकिया इंदिरा जी वाला, ऐसा कुछ माहौल बन नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। वरना 50 घंटे 16 से रोके आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कहां आपको कहां दिख गया, कहां आफत आ गई? दक्षिण भारत में अगर ये होता तो अभी तक कितने कार्यकर्ता शहीद हो गए होते आग लगा के, वहां तो ट्रेडिशन है आग लगाने का और वो सुसाइड करने का। या आप हमें बता दो कि वो एक मजे एक तखत सस्ता है, एक मंच सस्ता है, AICC में ऊपर तंबू लग जाता है, आके लोग बैठ जाते हैं, वो कैमरे वाले आ गए, माइक गाड़ी वाले आ गए। सुशील जी जब प्रमोद तिवारी जैसे नेता सुधरा गए आपके घर में ही हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, किस पार्टी को अध्यक्ष बनाने की कोशिश करते हैं आप, कह रहे हैं आह्वान करो देश बंद हो जाए। अरे प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी कम से कम पुलिस से धक्का क्या क्या बैठ तो रहे, हम कह रहे हैं उन लोगों की बातें कह रहे हैं तो वो तो विपक्ष के नेता है ना, कांग्रेस के नेता है, राजकुमार है होने वाले। अब मैं क्या बताऊं, तो वहां से कहीं से कोई देश के लेवल, अच्छा ये आप ये बात मोदी जी नहीं समझ रहे होंगे, जब हम आप ऐसे लोग समझ रहे तो क्या मोदी को खबर नहीं जा रही होगी? भैया वो जाते हैं राजकुमार लौट आते हैं, जाते एक असिस्टेंट डायरेक्टर खिलौना बनाए हुए तीन प्रधानमंत्रियों के वारिस को, ये कोई छोटी बात है? ये तो मजाक की बात है। और इसको कांग्रेसी सर धज के गए ट्रेन से लखनऊ मेल से, वहां गए चेहरा दिखाया, हाजिरी नोट, आज भी हाजिरी नोटिस कार्यक्रम चल रहा है, आज भी जो इस समय टॉप 5 लोग चल रहे वेणुगोपाल या हुड्डा या सुरजेवाला, इनके आसपास घूमे फिरे, अपने अपने आकाओं से मिले और चले आए, कहीं वो जज्बा नहीं है? हमें याद है मैंने सुसाइड का कार्यक्रम बनाया था, ऑन एयर चला था, संजय राजन उस समय थे और सहारा का चैनल उस समय हुआ क्या था, सोनिया जी तैयार नहीं थी, मुझे गुस्सा आ गया, तो एक राजपूत चढ़ गए थे वो दिल्ली में कनपट्टी पे पेट्रोल लगा के नीम के पेड़ पे, और मैं यहाँ पर आ गया वो मट्टी तेल डाल के कांग्रेस दफ्तर में, वो ऑन एयर चलने लगा, लखनऊ के डीएम आराधना जी और नवनीत सिकरा भागे, उसको जब खबर मिली आके मेरे ऊपर लाल दिमाग, अरे पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटी। वो जज्बा, वो कांग्रेस कहाँ है? सर धज के जूते पहन के गए और सर धज के लौट आए, बाकी अरे वो अब राहुल पे क्या बीत रही होगी? आप जरा ये कल्पना करिए, राहुल गांधी पे दिखाए वो कुछ भी, लेकिन भाई साहब एक कांस्टेबल थानेदार बुला लेता है तो 3 दिन नींद नहीं आती, खाना ढंग से आदमी नहीं खा पाता है, उस समय यही लगता है ना भाई, वहां तो चपरासी कहता रुक जाइए अंदर नहीं जाना है, पानी नहीं देंगे, ठंडा पानी मांग रहे गर्म दे दिया, गर्म मांग रहे ठंडा दे दिया, चाय मीठी मांग रहे नमकीन लाके दे दी, वो तो ईडी दफ्तर असहाय है आप, असहाय असहाय राहुल गांधी के लिए जिंदा कांग्रेसी कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ठीक बात।